सभी दोस्तों को नमस्कार, और जिनका भी जन्मदिन है जी उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज है बृहस्पतिवार, वर्कआउट हमारा चल रहा शोल्डर का। हमारे आज के पार्ट मतलब आज के क्या दो तीन दिन से लगातार पार्टनर हैं ये मिस्टर प्यारे मोहन। बाकी जिम में भीड़ है बेहिसाब हमारे में। मैनेजर भी है गयो हंस रहे आप बता। ये रोना हंस मुके लोडा यार, पैदा हुआ था नाइट्रस ऑक्साइड लीक हो गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ हो चुके तेजी पैदा हो रहे आप। अच्छा अखबार में छप गई भाई। अच्छा जी, तू तो यार सुपरस्टार पैदा हुआ बचपन जी। वर्कआउट निपटाने के बाद अब चल रहे हैं घर वापसी। ठंड का आलम है करने वाला, कोहरा जो है और दिन के मुकाबले तो है कम, लेकिन ठिठन बरकरार है। बाकी जी राम राम, राम रामलीगो और समस्त देवी देवताओं को भी। तो जी जिम से आने के बाद बाकी प्रक्रिया निपटा कर सुबह सुबह की जो डेली का रहता है नहाने का टास्क थोड़ा कर रहा है इस टाइम जाड़े का, जो मान के चलो पर नहा लिया आज भी तो इतने कितना जरूरी काम कर लिया, मतलब जो क्रम में रह है ना तो जाने कितने तो नहाते ही ना हफ्ता हफ्ता नहाते जाड़ों में। बाकी जब हम चल रहे हैं जरा खाद ले गए, गेहूँ में खाद ना बिखरा तो खाद देंगे। तो जी बुग्गी तो छोड़ दी, लेकिन आज जो है तार इधर वाला भी टूटा मिला आयो और इधर का भी टूटा पड़ा रास्ते का। इसका मतलब किसी ने, अरे मैया स्प्रिंग लगाया है वो छोटा सा ही, वो तमाम बड़ा कर दिया। लील गाया क्या किसी पशु का काम है, किसी पशु का ही काम है। वो उधर से आया होगा और इधर को निकल कर जब करके गया कार्रवाई से। चलो जी पहले तो इसी बांध है, फिलहाल तो मैं करंट हटाई है यार, अब पहले से बांध दूँ सही करके। तो जी वो व्यवस्था तो सुचारू कर दी दोबारा, हालांकि स्प्रिंग तो लंबा हो ही गया है लेकिन अब फिर भी सही कर दिया मैंने। फिलहाल अभी तो और आएंगे भी जने, कितने जने टक्कर मारेंगे इसमें। वो उधर से जो टक्कर खाया होगा उसके बाद रुका नहीं है वो, एक इसमें इधर को नहीं बढ़ा वो। अगर वो झटका ही लगता तो वो गेहूँ खाता आराम से जब जाता बाद में। दबे लग रहे पैर, ये तो मुझे डील गाय के पैर नहीं लग रहे, छोड़ा पैर है तो किसी वैसे पशु के हैं जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं गाय बैल। तो जब करते हैं जो खाद देने की कार्रवाई शुरू पहले, फिर काटेंगे बरसीन, फिर आज कुछ विशेष योजना हमारी राजधानी जाने की हमारे मुमेर के साथ, वो बताता हूँ बाद में, पहले इस काम को निपटा लूँ और उससे पहले ज़रा ड्रेस चेंज कर लूँ। बाकी जी खाद तो दिया बखेर, पर गेहूँ का जो है मार पड़ गई पानी की, इन पर पानी भर दिया ज़्यादा। तो देखो पौधे में नीचे नीचे का वो गल गया, पीलापन आ गया
और गीला, अब भी पैर बैठ रहे हैं मेरे गलत। अभी और 4-5 दिन बाद खाद देता, पर जो है पीला पड़ा, पीला हो रहा, तो इसलिए मन क्या थोड़ा बहुत गुण मिल लग जाएगा इन्हें खाद का। बाकी जी ड्रेस चेंज फिर कर लिए, अपना गोले लोड बोड कर लिए। आज बरसीन जो है मैंने अपने हाथ से नहीं काट रहा, वो कटवा रहा हूँ मैं ठेकेदारनी से, उन्होंने गोले छोले अभी, तो मन क्या आज बरसीन की भी काट दो। मन क्या पैर तो हो कति सुन, बिल्कुल पता ना चल रहा पैरों का, क्योंकि ठंडी ज़मीन ऊपर से ओस ठंडी ठंडी मेरी। तो जी चारा लाने के बाद अब हो गए हम रेडी चलने के लिए, बताई रहा हमें राजधानी चलना है ज़रा। यो अपना अंगवस्त्र ले लिया साथ, यो जाड़े में टोपा बना लेंगे इसे यार, जो भी होगा ठंड से बचने के लिए। तो जी चल रहे हैं, कार से पहले तो मेरा इरादा बाइक से आने का, और ठंड को देखते हुए फिर हेलमेट रखने की समस्या हो जाती है वहाँ TMU में, तो चलो कार ही ले चल रहे हैं, ठंड भी हो ही रही है वैसे, मौसम कार के मतलब कही है। टोपा पहनने से बाल ऐसे सेट हो गए हैं कि अगर मोटरसाइकिल पे चलता ये बाल ऐसे इधर को हिल नहीं सकता कहते, और मैं बाल को हिला रहा हूँ दर्द कर रहे हैं, वो ढंग से सेट हुए हैं टोपे से, इतना तो जेल वेल से भी ना होते हैं। बाकी जी हम पहुंच चुके हकीमपुर बाईपास पे, मुरादाबाद के बाईपास से हकीमपुर की तरफ क्यों चला है वो, अब पहले पहुंचेंगे बागबड़ा, वहां खड़ी करेंगे इसे, दिखाते हैं बाकी। तो जी गाड़ी तो पार्क कर दी है यहाँ TMU की पार्किंग में, पर्ची ले ली है वो, अब चलते हैं बस पकड़ेंगे गजरौला पहुंचेंगे। तो जी गजरौला पहुंच गए, सामने खड़ी है चीते एक गाड़ी। क्या हाल है सर? कितना टाइम हो गया भाई? चलो बाकी जी पहुंच गए गढ़, गंगा जी अपने फुल प्रवाह में बह रही हैं। वह दिल्ली जी दूर ना आए, अब पहुंच चुके दिल्ली, लेकिन अभी गंतव्य हमारे बजे दूर है। बैड अभी हमें अभी साइड को ले लो, इस साइड को लेफ्ट में अभी दबा कर चलो, अभी इंडिकेटर मत दो, धीरे धीरे लाओ ऐसे, आगे चल के आया, आगे चल के अभी तो तेजी चल रही है। अब इस पे चढ़ना है जी रोड पे, घूम घाम के जाना कहाँ से, केवल फोटो खींचता, अभी टोल नहीं कटेगा, आराम से ही रहे, सिर्फ मारेगी मटकी पेल गए। सैतीस हो गए ढाई बजे से, जब से लगातार हाईवे हाईवे है, पर टोल दिए जा रहे हैं और तेल फूके जा रहे हैं, है भाई मंजिल मंजिल नहीं है ये भी मंजिल में अभी कितना टाइम हो रहा है अभी और चीज चाहिए, अरे पता ही ना दिल्ली में, ऐसा मान लो दिल्ली के दूसरी साइड से गुजरेंगे हरियाणा की तरफ से, हरियाणा तो पहुंच गए, अब जो इस टाइम हरियाणा के क्षेत्र में चलना है, मैसेज भी आ गया जियो वालों का कि भाई साहब वेलकम है तुम्हारा हरियाणा जियो में। बाकी जी सूरज देवता को नमस्ते करी गए हैं वो हमें, मतलब हमने कर ली उन्होंने वो भी कर गए राम राम। कोहरा आना शुरू होने वाला, आना शुरू होने वाला क्या, कोहरा तो आ ही गया वैसे नीचे जंगल में, तो बस सड़क पर तो जरा दिखाई दे रहा है अभी हाईवे पे, सूरी खड़ी कर रखी है उन्होंने, कहते आल्टो है ना, ध्यान रखिए इसका आल्टो, हां फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर है क्या वो, बदलवादी के पीछे अल्टर या चिट्टी को हटवा दे, अच्छा अच्छा बच्चा आपके चार झुंडी लगवा के ओडी बनवा दूंगा। हाँ ये भी सही है। तो ये बड़ी मुश्किल से आखिरकार इस हाईवे को छोड़ पाए हम 110 किलोमीटर चलने के बाद, 120 किलोमीटर, अच्छा अच्छा, तो ये पता नहीं चल रहा कौन सा हाईवे किधर से आ रहा, कैसे कैसे आ रहा, भाई वो आदमी दिखाई दे रहा है इधर से आ रहा, और ना पता चल रहा कुछ भी। दावत किस बात की बता रहे हैं दिल्ली में, तू बताऊंगा, अच्छा
फिर कब बताएगा? अच्छा कैमरा बंद करो, अच्छा ब्लॉग के बाद। ये छठा जाना सात बार टोल है आज हमें हमारे लिए, पता ना एक रोड तो हम आज ही देख चले जाएंगे इन्हें एक रोड के पैसे। टोल रिचार्ज हो नहीं रहा, पता ना क्या दिक्कत आ रही है इसकी बैंक सेंक में। चलो खुल तो रहा अभी तो दादा तन। हाँ पता ना फिर वाले टोल तो ना पता ना यार टोल तो हर जगह लग रहा है, पैसे ना कट रहे तेरे। अबे अब तुम ये देखो अगर नीचे चलना ऊपर चलना, नीचे चलेंगे भैया ऊपर ना चल रहा है अभी तो बहुत उम्र है। तो जी पहुंच गए गंतव्य पे दिल्ली पुलिस अकादमी। बाकी जी आज के ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। या क्यों आए कैसे आए वो बताएंगे, मतलब कैसे आए तो बता ही दिया, क्यों आए वो बताएंगे कल के ब्लॉग में। भैया नमस्ते।